दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धाम की पीड़ा योजनाओं की सभा प्रदेश के पहले मॉडल स्कूल बलिया दुकान पर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के अपने एक दिवसीय दौरे पर 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के देवी धुरा में राजकीय आदर्श महाविद्यालय का भी लोकार्पण किया। ये प्रदेश का पहला और देश का 12वां मॉडल स्कूल है। वही मुख्यमंत्री ने इससे पहले राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार रोजगार के प्रति प्रयासरत है। उन्होंने 15 अगस्त से विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञप्ति निकालनी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक छत पर सुविधा दे रहे हैं, ताकि उन्हें ऋण के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि 24,000 रिक्त पदों को भरने का कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। 15 अगस्त से विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञप्ति निकलना भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक छत पर सुविधा दे रहे हैं, ताकि उन्हें ऋण के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के दौरे पर गए। वहां पर उन्होंने लगभग 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि चंपावत जिले के देवी दुरान में राजकीय आदर्श महाविद्यालय का भी सीएम धामी ने लोकार्पण किया। और खास बात यह है कि ये प्रदेश का पहला और देश का 12वां मॉडल स्कूल है। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ राज्य के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट देने, दिवंगत पर्यावरणविद सुंदर लाल भगोड़ा के नाम पर सुंदर लाल भगोड़ा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार देने, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने समेत कई बड़ी घोषणाएं सीएम ने की है। वहीं इन घोषणाओं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी ने जनता के 4.5 सालों से अधिक का समय बर्बाद किया है। ये समय घोषणाओं का नहीं, धरातल पर काम को दिखाने का है। ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें कि इन घोषणाओं में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को मुफ्त मोबाइल टैबलेट देने, दिवंगत पर्यावरणविद सुंदरलाल भगोड़ा के नाम पर प्रकृति संरक्षण पुरस्कार देने, तो वही जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जैसी कई बड़ी घोषणाएं शामिल थी। वही इन घोषणाओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता के 4.5 सालों से अधिक का समय बर्बाद किया है। ये समय घोषणाओं का नहीं, बल्कि धरातल पर काम को दिखाने का है। ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं,
जनता का इनसे कोई भी सरोकार नहीं है। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान भी प्रदेश भर में शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया है। उसी के तहत उत्तराखंड में भी आज से यात्रा का शुभारंभ मंगलौर के नारसिंग बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट के द्वारा किया गया। उत्तराखंड के नारसिंग बॉर्डर पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। कई दिनों से तैयारी में लगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार से जोड़ने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नारसिंग बॉर्डर से शुरू होकर यात्रा पहुंचेगी तो वही केंद्रीय राज्य मंत्री के स्वागत कार्यक्रम में जमकर कोविड-19 के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई, जो आप तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं। वहां पर कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का रत्ती भर भी पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट उत्तराखंड पहुंचे। बीजेपी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, और उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज कर दिया है। इसी के साथ पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान भी प्रदेश भर में शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया, और इसी के तहत उत्तराखंड में भी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ मंगलौर के नारसिंग बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट के द्वारा किया गया है। वही देश भर में कृषि कानून को लेकर अभी भी धरना प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री अजय भट्ट की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने काले झंडे दिखाकर बीजेपी का विरोध जताया। वही केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड बॉर्डर नारसिंग से होते हुए देहरादून तक पहुंचने की, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के लंबे काफिले भी शामिल थे। किसानों के इस प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। यात्रा रखे आप, ये मजाक उड़ा रहे किसानों का यात्रा निकाल कर, अपनी तनख्वाह दुगुनी कर ली, अपने भत्ते वेतन दुगुने कर लिए, लेकिन किसान और मजदूर से कोई मतलब नहीं है। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, और उद्योगपतियों का ही ये सरकार भला करती है। आज हमारा 9 महीने से दिल्ली में आंदोलन चला हुआ, हमारे वहाँ 700 के लगभग किसान शहीद हो गए, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं। इनकम करने का वादा किया था मोदी जी ने, 2022 आने वाला, हमारा गेहूँ 4000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए, हमारा गन्ना 650 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए, और अगर ये नहीं बिकेंगे तो फिर हम इनसे पूछेंगे 2022 में इनकम कैसा सुनेंगे। 4 साल से गन्ने को पैसा नहीं बढ़ा, 180 करोड़ रुपए एक बार कुछ नहीं मिलता, बताया चल रहा, और ये यात्रा निकाल दे, ये यात्रा नहीं निकाल दे, किसान को अपमानित करने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे, ये किसान का मजाक उड़ाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस किसान इस यात्रा का विरोध करेगा, और किसान अपना अपमान किसी स्रोत को बर्दाश्त नहीं करेगा। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता भी गाड़ियों के लंबे काफिले भी शामिल थे, तो वही किसानों ने काले झंडे दिखाकर बीजेपी का जमकर विरोध जताया। आपको बता दें किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है कृषि कानूनों को लेकर, पिछले 9 महीने से कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। उत्तराखंड के
पर्यटन मंत्री अजय भट्ट की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने काले झंडे दिखाकर बीजेपी का विरोध जताया। केजरीवाल कल एक दिन के दौरे पर फिर से देहरादून आ रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। प्रदेश की लगभग सभी विधानसभाओं से पार्टी कार्यकर्ताओं का देहरादून पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सुबह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से उनका काफिला देहरादून पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचते ही बीजापुर जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो IDDR ऑडिटोरियम में संवाद करेंगे, जिस दौरान वे उत्तराखंड की जनता के लिए अहम घोषणा भी करेंगे। और इसके बाद उनका काफिला सीधे घंटाघर पहुंचेगा, जहां वो इंद्रमणि बडोनी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद उनका रोड शो घंटाघर से राजपुर रोड होते हुए दिलाराम चौक तक जाएगा, जहां उनके साथ सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोड शो में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो कल एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून आ रहे हैं। कल केजरीवाल जी देहरादून में, और जैसा उन्होंने अपने ट्वीट पर बताया कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बदलाव की जो पहल है उसके विषय में वो कल बात करेंगे। उसके पश्चात वो एक यात्रा भी निकालेंगे जो घंटाघर चौक से शुरू होगी। उसके पश्चात वो जो जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी मिलेंगे, और मुझे लगता है कि जो 2022 के चुनावों की तैयारी है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा ये। उधम सिंह नगर के जसपुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन सुभाष चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली। तिरंगा यात्रा से पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं जसपुर सुभाष चौक से 100 मीटर तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के सभी भूतपूर्व सैनिक NCC कैडेट भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, और इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम लोग सब ये जनरेशन अपने देश के 75 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और आज इस मौके पर जसपुर के हर नागरिक में एक उत्साह है, और हमारे यहाँ पूर्व सैनिकों ने उनके अगुवाई में ये आज मार्च 100 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे NCC कैडेट्स और हमारे तमाम सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और जसपुर के नागरिक, आसपास के गाँव के नागरिकों ने मिलजुल कर ये यात्रा निकाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कई कांग्रेस के बड़े नेता पीड़ितों और महंगाई की आवाज उठाते हैं, तो केंद्र की बीजेपी सरकार उनकी आवाज दबाने में लग जाती है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कराकर केंद्र सरकार ने अपनी गलत मानसिकता का सबूत दिया है। बीजेपी सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और विपक्ष अगर इन मुद्दों को उठाता है तो उनके ट्विटर को ब्लॉक कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में इस समय देश में राज कर रही है, वो अभिव्यक्ति पर पूरी तरह से उन्होंने पाबंदी लगाने की तैयारी कर रखी है। अघोषित इमरजेंसी की ओर देश को ले जा रहे हैं। अभी तक तो ये मानकर चला जाता था कि मोदी जी के प्रभाव में मीडिया है, लेकिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की पर पाबंदियां लग रही है, अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में इस समय देश में राज कर रही है, वो अभिव्यक्ति पर पूरी तरह से उन्होंने पाबंदी लगाने की तैयारी कर रखी है। अघोषित इमरजेंसी की ओर देश को ले जा रहे हैं। अभी तक तो ये मानकर चला जाता था कि मोदी जी के प्रभाव में मीडिया है, लेकिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की पर पाबंदियां लग रही। मंगलौर कस्बे में जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलौर नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को दो हफ्तों के अंदर समस्या का समाधान करने की चेतावनी दी है। समस्या का हल न करने पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन की धमकी दी गई है। सिर्फ मेला टोली की नहीं है, मंगलौर के सभी तालाबों पर लोगों का कब्जा है। लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और हर घर बनाने वाला किसी न किसी नेता का रिश्तेदार है, बनाने वाला है, वेटर है। इस चक्कर में उनको सोर्स लगाकर तालाब खुदाई को रोक दिया जाता है। तहसीलदार के आदेश होने के बाद भी पिछली बार तालाब खुदाई नहीं हो पाई है और हम इसी भी यहाँ पर आज ये ज्ञापन देने आए हैं। यू साहब, और अगर ऐसा नहीं होता है, ये 15 दिन के अंदर इनका अल्टीमेटम दिया गया है, ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। बहरहाल जो भी होगा इसको किया जाए। शास्त्री, शर्म करो, शर्म करो। भारतीय किसान यूनियन नगर पालिका, नगर पालिका। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लालकुआ में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ साथ निर्दलियों ने भी क्षेत्र में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खटार निवासी पूर्व सैनिक और वरिष्ठ समाज सेवी कुंदन मेहता ने भी लालकुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर लालकुआ की जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया है। यह अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिक और वरिष्ठ समाज सेवी कुंदन मेहता ने कहा कि लालकुआ को इस बार बचाना है तो उनको जिताना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने लंबे समय तक देश की सेवा की है। आगे उन्होंने कहा कि बारी बारी कांग्रेस बीजेपी ने यहां से चुनाव जीता है और दोनों ही दल एक एक बार विधायक उनके सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन एक भी मंत्री ने बिंदु खटा, राजस्व गांव और लालकुआ के विकास के बारे में नहीं सोचा। मेरे मानना है बीजेपी कांग्रेस की सरकार दो दो बार आ चुकी है, दोनों की डबल इंजन सरकार रही हुई है और दोनों के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बिंदु खत्ता की जनता, आम विधानसभा की, पूरे क्षेत्र को ठगा है इन लोगों ने और हर किसी को आश्वासन दिया लेकिन काम नहीं किया इन लोगों ने। और बिंदु खत्ता वैसे चोर गलिया साइड का और गोलापार में भी लोगों का मालिकाना हक का मुद्दा है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा लोगों को यही आश्वासन दिया कि बिंदु खत्ता हम राजस्व बनाएंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद ये कोई भी मुद्दे को नहीं लाते हैं और आखिर में ये कहने लग जाते हैं कि हमने तो ये बात कही नहीं है ना हमारे घोषणा पत्र में। और जा रहे हैं। और पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर बनी उप समिति की आज तीसरी और अंतिम बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विधानसभा में बैठक का आयोजन किया गया, जहां शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है
की रिपोर्ट बनाकर कैबिनेट के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला राज्य कैबिनेट को लेना है। उनके अनुसार उप समिति का फैसला अंतिम नहीं होता है, फैसला कैबिनेट को ही लेना होता है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बात की संभावना कम है कि पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे को लेकर सरकार फैसला ले पाएगी, क्योंकि अगर ये फैसला लिया तो सभी विभागों में सरकार को अन्य कर्मचारियों को भी ये देना पड़ेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बैठक हुई थी और तीसरी बैठक में दोनों ही पक्षों ने, पुलिस के जो उनकी कमेटी बनाई थी उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया, और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यू दे दी। अब मीटिंग हम फाइनल मीटिंग हो गई है, अब इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्या आज है या कभी भी वो अगले? देखिए अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है, टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। मसूरी नगर पालिका परिषद के टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची और गणेश जोशी के साथों में राखी बांधी। इस मौके पर लोक गायिका ऋषभ शाह ने गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो हर साल रक्षाबंधन का कार्यक्रम अपनी बहनों के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया। आगे बताया कि आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहां पहुंची हैं, उससे महसूस होता है कि मसूरी में बहनों का उनसे कितना ज्यादा प्रेम है। आपने गिफ्ट की बात की, मैं वो जो बहुत छोटी चीज है लेकिन एक भरोसा है, विश्वास अपनी बहनों को देना चाहता कह सकता हूँ। इस विश्वास के साथ मसूरी की बहनें मुझ पर भरोसा करती हैं, उससे ज्यादा मैं इन पर भरोसा करता हूँ। जिस भरोसे से इन्हें मुझे जिम्मेदारी दी है हमेशा मैं उस भरोसे पर खड़ा उतरूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ, किसी कोई धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। आप देख रहे होंगे 3 बार से विधायक हूँ, आज भी बिल्कुल उसी स्थिति में हूँ। बस एक भरोसा मैं अपनी बहनों को दे सकता हूँ कि जिस भरोसे से आप मुझे राखी बांध रही हूँ, आपका ये भाई उस भरोसे पर हमेशा खड़ा उतरे। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अब उन पर नगर निगम के अकाउंटेंट का अपमान करने का आरोप लगा है। अकाउंटेंट के अपमान करने से नाराज नगर निगम के कर्मचारी आज निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। और इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने मेयर मर गया और मेयर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन मेयर के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा था, और जब अकाउंटेंट गिरधर गोपाल का नंबर आया तो मेयर ने उनका अपमान कर डाला, जिसके बाद अकाउंटेंट भावुक हो गए। वहीं मेयर की इस हरकत के बाद से नगर निगम के कर्मचारियों में बेहद ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसलिए आज नगर निगम के कर्मचारी मेयर गौरव गोयल के खिलाफ निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। मांग है मेयर अपनी गलती से माफी मांगे, अकाउंटेंट को लिखित में सुरक्षा का आश्वासन दे, उसके बाद ये धरना खत्म किया जाएगा। ये हमारे अकाउंटेंट साहब हैं गिरधर गोपाल जी, कल यहाँ झंडारोपण हो रहा था मेन गेट पर। तो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ कर्मचारी अधिकारी को सम्मानित किया जाता है, अच्छे काम करने का उपहार दिया जाता है। तो हमारे जो अकाउंटेंट साहब हैं, जब इनका नंबर आया 15 कर्मचारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अब डिमांड ये है जी, एक तो जो है किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई बेइज्जती नहीं कभी करेगा, ठीक है, समझ गए जी। और एक जो है उन्हें जान माल का। देहरादून पुलिस ने देहरादून में चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। देहरादून, हरिद्वार और बिजनौर से आरोपियों ने ये मोटरसाइकिल चोरी की थी। ये पूरा एक गिरोह है जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं। पहले ये बाइकों की रेकी किया करते हैं और उसके बाद मौका पाकर बाइकों की चोरी करते थे, और इनका मुख्य टारगेट घरों और दुकानों के बाहर खड़ी बाइकें होती थी।
वहीं गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। देहरादून में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल अभी तक 100 वाहन चोरी की घटनाएं दर्ज हो चुकी है, जिनमें से पुलिस 63 घटनाओं का खुलासा कर चुकी है। एसएसपी देहरादून योगेंद्र रावत ने बताया कि चोर बाइकों को अलग अलग जगहों से चोरी किया करते थे और किसी एक जगह पर इन्हें रख देते थे और ग्राहक मिलने पर बाइकों को बेच देते थे। वही आरोपियों ने बताया कि अपना शौक पूरा करने और नशा करने के लिए पुरानी मोटरसाइकिल वो चुराया करते थे। जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं, ये पुलिस की एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा मापदंड होते हैं, क्योंकि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में तो रिकवरी एक्चुअल में करनी पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती है। इस मामले में जनपद पुलिस ने पिछले 7 महीनों में जुलाई तक काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ डकैती का 100% वर्कआउट हुआ है, लूट का 100% वर्कआउट हुआ है, 70 लूट खुली हैं, वाहन लूट में 100% वर्कआउट है, चेन स्नैचिंग में 100% वर्कआउट है, गृह भेदन में 90% है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।